मेरा नाम अमजद खान है। तो हम यहाँ मैच खेलने आए थे, काफ़ी इंजॉय किया। काफ़ी पहले बाहर में खेलते थे, अब विंटर में पहली बार खेला बर्फ़ में। इंडियन आर्मी ने यहाँ मैच करवाया, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय भी किया। आर्मी वालों ने हमें काफ़ी हेल्प भी किया, काफ़ी पहले भी हेल्प करते रहते हैं खेलने के लिए, बेला में मैच होता है उसके लिए। तो आज फर्स्ट टाइम हम जो बर्फ़ में मैच खेला, यहाँ आए, काफ़ी इंजॉय किया। पहाड़ी इलाके में थोड़ा मज़ा आया खेलने को भी। थैंक यू टू आर्मी, इंडियन आर्मी। तो इंशाल्लाह आगे भी खेलते रहेंगे, हम आर्मी के साथ ताल्लुक भी अच्छे हैं हमारे, तो इंशाल्लाह आगे भी हम मैच खेलते रहेंगे। मैं जावेद अहमद गनेश सर, लड़ी टीम का कैप्टन हूँ सर। हमने लड़ी से टीम लाई थी सर, यहाँ खेला इंडियन आर्मी का। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि बर्फ़ में हमें यहाँ मैट पे खिलाया और बहुत लुत्फ उठाया हमने सर। बहुत अच्छा मैच भी रहा, हम थैंक यू करते हैं इंडियन आर्मी के लिए सर। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, इतना क्राउड भी है यहाँ सर, बहुत मज़ा आ गया सर, बहुत मज़ा आ गया। नहीं, बर्फ़ पे नहीं खेला सर, पहली बार खेल रहे हैं, इसलिए इंडियन आर्मी का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर। मेरा नाम तासिर इकबाल है, मैं भाड़िन टीम का कैप्टन हूँ। हमारी टीम यहाँ भाड़िन से नज़दीकी गांव से, तो आज हम यहाँ आए थे मैच खेलने। हमने आज पहली बार स्नो पे मैच खेला और हमने काफ़ी इंजॉय किया। ये हम थैंकफुल हैं यहाँ की आर्मी का कि जिन्होंने आज पहली बार हमारा मैच यहाँ पे करवाया स्नो पे। इससे पहले हमने मैच खेले थे वहाँ ग्राउंड में, समर में ग्राउंड पे, सीधा समर में, तो वहाँ पे भी अलग मज़ा होता है। लेकिन यहाँ स्नो पे खेल के हमने पहली बार बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ही अच्छी तरह से खेला। सो वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी। तो और ये जो ग्राउंड है ये LOC के करीब है, बिल्कुल यहाँ पे ये LOC है, तो यहाँ LOC के करीब इन्होंने ये मैच करवाया, तो इसके लिए हम बहुत ही थैंकफुल हैं इंडियन आर्मी का। तू ग्राउंड के बीच में क्यों खड़ा हो रखा है? देने दो इसको। क्या अच्छा अच्छा कौन सा? ए बच्चों इस साइड आ जाओ थोड़ा, वो खड़े वाले, खड़े खड़े वाले इधर, पूरे इधर
पुलिस सर आप उस साइड आ जाओ प्लीज रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ऊपर वो उसके उस थाड़े के ऊपर शाबाश शाबाश तो सर इशू पानी के ऊपर चलो सर आ जा बाल का पर बाल अब कुछ समझ नहीं आ रहा है।